आदमी ने एक दुकानदार के साथ मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो का संज्ञान लेते हुए एसपी अशोक कुमार मीणा ने जांच के आदेश दिए। मामला कोतवाली फतेहगढ़ के पुलिस लाइन के समीप का है, जहां पर शराब के नशे में धुत सिपाही ने हंगामा किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पब्लिक ने सिपाही की जमकर पिटाई भी की। नशे की हालत में सिपाही प्रेस करने वाले की दुकान में शराब पीने के लिए गया। दुकानदार रामसेवक ने दुकान में शराब पीने से मना किया तो सिपाही ने रामसेवक की पिटाई कर दी। दोनों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में सिपाही का सिर फट गया। लहूलुहान हुए नशेड़ी सिपाही ने जमकर हंगामा किया। थाना कमालगंज में तैनात है नशेड़ी सिपाही दिलीप। पुलिस लाइन अपने आवास पर आया था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने जांच के आदेश दिए हैं। अब देखना होगा कि इस शराब के नशे में धुत पुलिसकर्मी पर क्या कार्यवाही होती है। अभिषेक कटियार, फरुखाबाद, समाचार 24। सर, सिपाही की मारपीट के संबंध में क्या मैटर है? ये दिलीप नामक सिपाही जो कि थाना कमालगंज पर पोस्टेड है, कल जब ये शाम को लाइन में जो इनका आवास है वहाँ पर लाइन के ही बाहर एक आयरन करने वाले की दुकान है जहाँ पर रामसेवक नाम के व्यक्ति रहते हैं, उनसे इनका कोई विवाद हुआ है, जिसी के आधार पर दोनों में आपसी वाद विवाद हुआ है और इसी के संबंध में सीओ अमृतपुर को जांच दी गई है। इसमें जो भी तथ्यात्मक फाइंडिंग्स होगी उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिरोजाबाद के गांव में शॉर्ट सर्किट के कारण मकान में भीषण आग लग गई। वहीं पीड़ित ने बताया कि बेटी की